प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? देखिए, सबसे अच्छा समय यही होता है पढ़ने का। ना तो इसमें आपको ज़्यादा गर्मी लगती है, ना ज़्यादा ठंड। और देखिए, प्री बोर्ड आने वाले हैं और चल रहे होंगे कुछ लोगों के, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि हम लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कैसे करें। तो जैसे एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है जो 2 सेंटीमीटर हाइट का है और उसको 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है कॉनकेव मिरर के फ्रंट पर। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ भी बताना है आपको और ये बताना है कि पोजीशन क्या है इमेज की, इमेज की पोजीशन कैसे है। तो देखा, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर की है और कहाँ रखी है वो? कॉनकेव मिरर से 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर पर। और इसकी इमेज इन्होंने बताई है 3 सेंटीमीटर हाइट की है। रियल है इसलिए देखिए H1 क्या है। H1 से डिनोट करते हैं हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और H2 यानी कि हाइट ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर दे रखी है। अब क्योंकि रियल है इसलिए माइनस से डिनोट हम करेंगे इसको। इससे क्या लाभ होगा? इससे हमें पता लगेगा कि एम यानी मैग्निफिकेशन का पता लगेगा। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है H2/H1। तो यहाँ मैग्निफिकेशन -3/2 यानी कि -1.5 सेंट आएगा। मैग्निफिकेशन -1.5 आएगा यहाँ पे। अच्छा, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है -V/U, ये होता है मिरर के लिए। अब आपको पता है एम की वैल्यू भी पता है, यू की वैल्यू भी पता है, तो वी यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज या पोजिशन ऑफ इमेज बता सकते हैं जो कि हमें मालूम करनी थी। तो m की वैल्यू रख देंगे -1.5, v मालूम नहीं, u है -16। माइनस का 16 क्यों रखा हमने? क्योंकि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट 16 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस होती है उसे माइनस में रखा जाता है। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट जो भी रखे जाते हैं वो माइनस में ही तो रखे जाएंगे। इधर माइनस का मतलब है पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब माइनस से माइनस फिनिश, तो वी की वैल्यू कितनी हुई? -1.5 × 16, इट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 सेंटीमीटर आएगा। ये क्या है? पोजिशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजिशन क्या होगी? -24 सेंटीमीटर लेफ्ट टू द कॉनकेव मिरर। अब हमें इमेज भी पता लग गई कि इमेज की पोजीशन कहाँ है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑलरेडी हमें मालूम थी, तो हम मिरर फॉर्मूला लगा के आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है। वी की वैल्यू कितनी है? -24 अभी तो आई है, और यू -16 है। इसे सोल्व करने पे एलसीएम क्या लेंगे 24 और 16 का? 48। तो ये आ जाएगा -2 और इधर आ जाएगा -3, तो ये आया -5/48 यानी कि एफ की वैल्यू आई है 48/-5। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा -9.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से फोकल लेंथ कितनी हुई? 9.6 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों आई? क्योंकि फोकल लेंथ भी तो इधर ही होगी, क्योंकि इधर तो कोटेड है, सिल्वरी पेंटेड है यहाँ पे। तो ये फोकल लेंथ आई इसकी -9.6 सेंटीमीटर, यानी कि 9.6 सेंटीमीटर है इसकी फोकल लेंथ। माइनस सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि वो लेफ्ट साइड में है बस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इससे रिलेटेड ये एक टाइप है क्वेश्चन का, और अगर आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया तो और भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और 10th क्लास के बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।